हेलो एवरीवन, आई एम संदीप बेंस। आई होप गाइस यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे फेस पर जो रिंकल्स होते हैं क्यों हो जाते हैं। ठीक है जी, विटामिन ए से जो रिंकल्स हैं हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और जो विटामिन ए होता है वो होता है हरी मिर्च में। अब ऐसा तो नहीं है कि अब हम पूरा दिन ही हरी मिर्च खाते हैं। जो विटामिन ए है वो होता है हरी मिर्च में और होता है रेटिनॉल में। ठीक है, जो रेटिनॉल होता है वो होता है आइसक्रीम में। मार्केट में ऐसी बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल है जिसके साथ जिसके अंदर मिक्स किया होता है रेटिनॉल। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वो आइसक्रीम को मार्केट से खरीदते हैं, आप उसे यूज करना चाहते हैं अपने फेस पर रिंकल्स को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका एक पैच बना लीजिएगा अपने हाथ पर। उसे 10-15 मिनट एक रात लगाकर छोड़ दीजिएगा ताकि आपको उसका रिजल्ट मिल सके। अगर वो आपके हाथ पर आपकी स्किन पर सूटेबल रहा देन आप वो जो आइसक्रीम है अपने फेस पर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे अपने फेस पर यूज मत कीजिएगा। क्योंकि इस साइड रिंकल्स होते हैं, लाइक इस साइड भी होते हैं, वो मुझे तो स्माइल लाइन लगते हैं और मुझे काफी अच्छे लगते हैं जब हम स्माइल करते हैं लाइक दिस टाइप। यहाँ पर कहीं कई लोगों के यहाँ पर भी रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो। ये इस टाइप की क्रीम्स होती हैं कई बार हमारे फेस पर नहीं सूट करती हैं, जिसके साथ हमारे फेस पर एक्स्ट्रा रिंकल्स या डार्क सर्कल होने की प्रॉब्लम भी हो। आपके कोई भी आइसक्रीम सूट नहीं करती है, आपके फेस पर रिंकल्स हैं, तो आप क्या कीजिए, रात में आपको जो भी आप मॉइस्चराइजर लेते हैं उसे अपने फिंगर टिप्स पर लेना है। अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश के साथ क्लीन करना है, फिंगर टिप्स पर मॉइस्चराइजर लेना है और यहां से लेकर आपको इस तरह से अपनी फेस की मसाज करनी है। वो भी मैं जो स्टेप्स हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगी ग्लोइंग स्किन के लिए। जो हमारे फेस पर मसाज के स्टेप्स हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो आपको रिंकल्स के लिए मॉइस्चराइजर अच्छी क्वांटिटी में लेना है और मॉइस्चराइजर को अपने अंडर आई एरिया में इस तरह से यहां पर प्रेस करना है। आपको यहां पर अपने फिंगर टिप्स के साथ प्रेस करना है और जिसके साथ आपके रिमूव हो सकते हैं रिंकल्स, रिड्यूस हो सकते हैं आपके रिंकल्स। आपको फिंगर टिप्स पर लेना है मॉइस्चराइजर। जो स्टेप करना है वो मैं आपको करके दिखाती हूं इस तरह से। यहां पर ले जाकर आपको प्रेस करना है। ये है हमारे रिंकल्स को रिमूव करने के लिए स्टेप। काफी मैसेजेस मिल रहे थे कि हमारे जो रिंकल्स हैं हम उसे आइस क्रीम के साथ रिमूव कर सकते हैं या नहीं, तो मैं इस वीडियो में आपको यही रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप बिना डॉक्टर के सजेस्ट किए हुए उस आइस क्रीम का यूज मत कीजिएगा। अगर आइस क्रीम के साथ काफी आपका जो फेस है डैमेज हो सकता है, लाइक पिंपल्स हो सकते हैं, रिंकल्स बढ़ सकते हैं, डार्क सर्कल हो सकते हैं, आप जब तक आपको डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं आप आइस क्रीम का यूज मत कीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं पहले अपनी यहाँ पर हाथ पर स्किन पर यूज करके देखिएगा तभी आप आइसक्रीम का यूज कीजिए। और आप विटामिन ई के कैप्सूल को अपने फेस पर लगाने की बजाय वो एक कैप्सूल आप रोज अपने डाइट में रखिए। जो भी मैंने टेबलेट पहले वीडियोस में सजेस्ट की हैं वो टेबलेट लेना आप स्टार्ट। ट्रिक्स मैंने जो ये वीडियोस बना रही हूँ मैं, जो भी ट्रिक्स हैं वो सभी मैंने अपने फेस पर मैंने खुद से ट्राई किए हैं, मुझे उनके 100% रिजल्ट मिले हैं, तभी मैं जो ये वीडियोस है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी इसे अपने फेस पर यूज करेंगे और आपको भी इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैंने आपको बताया कि आपको रात को मॉइस्चराइजर करना है और जो स्टेप बता दिया आपको वो यूज करना है। और जो ये मॉइस्चराइजर हम यूज करेंगे इस तरह से हमारा जो ये मॉइस्चराइजर है एंटी एजिंग का काम भी करेगा। ये था एक रिंकल के लिए छोटा सा ट्रिक और आपको आइसक्रीम नहीं यूज करनी है तो ही जो ये स्पेशल वीडियो है मैंने रिंकल्स पर बनाया है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए देन आप जो आइसक्रीम है उसका यूज कीजिए। आई होप मेरे आपने सभी वीडियोस देख लिए होंगे, आप उसे यूज भी कर रहे होंगे। जो भी मैंने स्क्रब्स एंड ऑल वीडियोस अपलोड किए हैं आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो अभी मेरे नए वीडियोज आने वाले हैं आप वो मिस ना करें। और वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो या थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे हेल्दी।